हेलो, मैं हूँ सार्थक और आप देख रहे हैं फिल्म बीट। दोस्तों, बिग बॉस के घर में अभी पिछले दो हफ्ते से कोई भी इविक्शन हुआ नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स भी लाए गए हैं शो में ताकि शो की टीआरपी बढ़ने लग जाए। यहाँ तक कि जो शो की टीआरपी है उसमें भी थोड़ा सा बूम आया है, क्योंकि जिस तरीके से कंटेस्टेंट्स लड़ रहे हैं और उनके फैंस उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे टीआरपी तो बूम कर गई है। लेकिन अभी भी बिग बॉस के मेकर्स थोड़े डाउट में है कि क्या वो शो को थोड़ा स्ट्रेच करे या यहीं पे खत्म करे, क्योंकि बिग बॉस को वैसे ही दो हफ्तों के लिए इंक्रीज कर दिया गया था। यहाँ तक कि बात ये भी चल रही है वापस से कि क्या आगे और हफ्तों के लिए भी बिग बॉस एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम बात करें फाइनलिस्ट्स की तो कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट नजर नहीं आ रहा है जिसमें कि वो पोटेंशियल हो। कंटेस्टेंट्स भले ही आपस में खुद को समझ रहे हो कि वो शो जीत जाएंगे, लेकिन बाहर जो ऑडियंस उनको देख रही है उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इन कंटेस्टेंट्स में पोटेंशियल है। यहाँ तक कि शो में जो टास्क भी किए गए हैं उसमें भी हम लोगों को उतना मजा नहीं आया जिसके बिहाफ पे हम एक अग्रीमेंट कर सके कि अच्छा ये वाला कंटेस्टेंट काफी पावरफुल है। सोर्सेस की माने तो बताया जा रहा है कि बिग बॉस को और भी दो हफ्तों के लिए स्ट्रेच किया जा सकता है। लेकिन जाने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से बिग बॉस 15 की ट्रॉफी कौन सा कंटेस्टेंट डिजर्व करता है, उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।